दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे एक ऐसे घपले के बारे में जो घपला शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के जमाने से। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा जमाना, 2014 का या 2019 का? नहीं साहब, 2014 या 2019 का जमाना नहीं, मैं बात करूंगा 2003 का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की। जी हाँ, शुरुआत उन्होंने ही की थी और उस समय दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट जो थे निजी हाथों में सौंप दिए गए थे। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, अभी दिल थाम के बैठिएगा। जो जो आज खुलासे करने वाला हूं उन खुलासों से आपके पैरों के तले की जमीन निकल जाएगी और उसके बाद क्या होने वाला है उसका अनुमान आप स्वयं लगाइएगा, जो भी मेरे यूट्यूबर के समर्थक हैं और जो देखने वाले हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जो खुलासा मैं करने वाला हूं। जी हाँ, 2003 की बात मैं कर रहा था कि वहां से शुरुआत हुई थी एयरपोर्टों के निजीकरण की। दिल्ली और मुंबई के जो थे एयरपोर्ट्स जो थे उनका निजीकरण कर दिया गया था, कंपनियों को दे दिया गया था, प्राइवेट कंपनियों को, क्योंकि सरकार को लगता था कि वो सक्षम नहीं है, उस पर खर्चा ज्यादा आ रहा है। अब साहब बात करूंगा मैं, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पसंदीदा कंपनी अदानी को शुरुआत कर दिए, 3 हवाई अड्डे और दे दिए गए हैं उनको, अहमदाबाद का, लखनऊ का, मैंगलुरु का। 3 जुलाई को कंपनी को सौंप दिया गया, 3 जुलाई को। जी हाँ, आने वाली 3 जुलाई को रिपोर्ट हमारे पास लेट पहुंची है और ये छपी है नवजीवन डेस्क में पूरे प्रमाण के साथ। सरकार के 100 दिन के एजेंडे में 3 हवाई अड्डे अदानी ले लेंगे और हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनी जो थी अभी उनका बेचना शामिल है, जो पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर जो किराए पर दिए जाते थे, जिनसे बद्रीनाथ जाते थे, जिनसे वैष्णो देवी जाते थे, जिनसे जहां जहां हम जाते थे, वो सरकार बेचने की तैयारी में है। लेकिन कारण बताने को तैयार नहीं है कि क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें बताया गया कि 5 हवाई अड्डे अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु के फाइनेंशियल बिट खोली गई, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस को वो ठेका मिल गया। अब मोदी जी जब भी जाते हैं, जहां भी भाषण देते हैं, यूपी में जाते हैं तो यूपी का कर्ज चुकाने की बात करते हैं, बिहार में जाते हैं तो बिहार का कर्ज चुकाने की बात करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाब को कर्ज चुकाने की बात करते हैं, जहां जहां जीत जाते हैं वहां कर्ज चुकाने की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में कर्ज चुका रहे हैं अपने उन दोस्तों का जिन्होंने भयंकर पैसा इनको दिया था 2014 में कामयाब होने के लिए। पूरा मीडिया तंत्र, पूरे चैनल खरीद लिए गए इनके द्वारा और सारी खबरें चलाई जाने लगी। अब ये तो बिका है, हवाई अड्डे कितने में बने थे, कितने में नहीं थे, ये डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, इसके लिए आरटीआई डालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसी और खबर भी है कि जो बीएसएनएल के 3 लाख करोड़ की एसेट्स थे, जो टोटल बीएसएनएल कंपनी है, भारतीय संचार बोला जाता था पुराने जमाने, फोन होते थे, याद होगा ना, मोबाइल आया था, सिम आई थी भारतीय संचार की, बीएसएनएल की सिम से हम बात करते थे। अब तो जियो आ गया, सस्ता आ गया तो लोग लेते हैं, क्योंकि सस्ती चाय पिलाई जा रही है, आने वाले टाइम में ये भी महंगा होने वाला है। उसकी 3 लाख करोड़ की संपत्ति अंबानी को 985 करोड़ में बेची जा रही है, तो कितना घाटा है, कितना फायदा है, ये आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। दोस्तों तबरेज के वीडियो डालता हूं तो खूब चलते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो नहीं चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा अपने समर्थकों से, जो सरकार के घोटाले हैं उन घोटालों को क्यों नहीं चलाते हो, आपको क्या आपत्ति है चलाने में? इनको अगर नंगा नहीं करोगे तो आप मॉब लिंचिंग वगैरह से नहीं बच पाओगे। मैं उन सारे समर्थकों को बोल रहा हूं, इस सरकार के चेहरे से नकाब उतारना काफी है और सोशल मीडिया पर यूट्यूब की पहुंच अभी बहुत कम है, टीवी की ज्यादा है, तो आप जितने से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इन खबरों को, इन जानकारियों को, वो कीजिए। आलसी मत बनिए, इस आंदोलन में अगर शामिल होना सच्चे हिंदुस्तानी के साथ या सच्चे हिंदुस्तानी के मन से और सही में देश प्रेमी हो आप, मैं दबाव नहीं डाल रहा, मैं तिरंगा लेके आपको मारने नहीं आ रहा हूं, भाजपा के लोगों की तरह मैं एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज, मैं समझता हूं कि मैं आपकी आवाज हूं, 5 लाख लोगों की आवाज हूं जो मुझे पसंद करते हैं। तो आप 5 लाख शेयर कम से कम हर पोस्ट को कीजिए, हर चीज को कीजिए जो मैं करता हूं, जो जानकारी डालता हूं, वहां तक ये जानकारी पहुंचे, कम से कम उन लोगों तक जानकारी पहुंचे जिन लोगों तक ये जानकारी केवल सोशल मीडिया के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सच्चे भारतवासी होने के नाते, एक सच्चे संविधान को मानने वाले लोग होने के नाते? दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा ये खुलासा बीएसएनएल और ये आपके एयरपोर्ट का जो स्टेशन दे दिया गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।